हॉरिजेंटल एजेम्प्टोट, हॉरिजेंटल एजेम्प्टोट, हॉरिजेंटल एजेम्प्टोट जो होते हैं ना जी, वो ऐसे होती हैं, ये होती है वाई की वैल्यू, ठीक है जी। तो ये कैसे फाइंड करेंगे आप, ये फाइंड करेंगे पुटिंग एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एंड, दोनों पुट करने हैं एक्स अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस जो लिमिट होता है उसके आंसर में माइनस के साइन का फर्क आ जाता है इन्फिनिटी प्लस और माइनस से, ठीक है जी। एक्स अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी एंड एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, देन वैल्यू ऑफ, देन वैल्यू ऑफ वाई इज कॉल्ड हॉरिजेंटल एजम्प्टोट, हॉरिजेंटल एजम्प्टोट। ये बड़ा शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। इस तरह वर्टिकल एजम्प्टोट जो होता है, वर्टिकल लाइन जो होती है, ठीक है जी, वर्टिकल एजम्प्टोट, एजम्प्टोट। ये फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने वो एक्स की वैल्यू जिस पे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन, ठीक है, बिकम इनफाइनाइट, ठीक है जी, वो एक्स की वैल्यू, जैसे आपके पास होता है वन ओवर एक्स माइनस टू, या एक्स की मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं तो फंक्शन इन्फिनिटी हो जाए, तो आप देखें तो एक्स इक्वल टू टू पुट करो, तो एक्स इक्वल टू टू कौन सा होगा, एजम्प्टोट, वर्टिकल एजम्प्टोट। तीसरा एक भी होता है इनक्लाइंड एजम्प्टोट, इनक्लाइंड एजम्प्टोट, ठीक है जी। इनक्लाइंड एजम्प्टोट क्या होता है ये जरा देखें जब फंक्शन इम्प्रॉपर फॉर्म में हो, ठीक है, जब व्हेन फंक्शन इज इन इम्प्रॉपर फॉर्म, रैशनल फंक्शन हो और इम्प्रॉपर फॉर्म में, फंक्शन रैशनल होना चाहिए और इम्प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है, देन देयर मे बी इनक्लाइंड एजम्प्टोट, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है दरअसल इस तरह की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस इस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये हम किस तरह फाइंड करते हैं, बाय डिवाइडिंग, बाय डिवाइडिंग, इसको डिवाइड कर लेते हैं फंक्शन को, तो हमें ये एजम्प्टोट मिल जाता है। ये बेसिकली तीन एजम्प्टोट है। पहले हम ये देख लेंगे कि ये एजम्प्टोट फाइंड कैसे करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, फिर हम ऐसे ग्राफ की तरफ जाते हैं जो क्वेश्चन के ग्राफ बनाने, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, y इज इक्वल टू वन ओवर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर, मैंने फाइंड करने हैं इसके एजम्प्टोट, ठीक है जी। बल्कि यहाँ पे मैं ऐसे कह देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन कह देता हूँ, एजम्प्टोट फाइंड करने। सबसे पहले मैं निकालता हूँ इसके वर्टिकल एजम्प्टोट, वर्टिकल एजम्प्टोट, ठीक है। वर्टिकल एजम्प्टोट के लिए मुझे एक्स की वो वैल्यू चाहिए जिस पे फंक्शन इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है। तो वो वैल्यू निकालने के लिए इसको मैं इक्वल टू जीरो कर दूंगा, ये आ जाएगा इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो ये जो एक्स की दो वैल्यू हैं ये वर्टिकल एजम्प्टोट है, ठीक है। फिर मैं निकालना हूँ वर्टिकल निकाली, अब मैं निकालता हूँ हॉरिजेंटल एजम्प्टोट। हॉरिजेंटल एजम्प्टोट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस, ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, एक्स स्क्वेयर मैं कॉमन कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर वन प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वन माइनस फोर ओवर एक्स, लिमिट पुट करूं ये कैंसिल हो जाएंगे, वन ओवर इन्फिनिटी जीरो, वन फोर ओवर इन्फिनिटी जीरो, तो वन ओवर वन बच जाएगा, ये आंसर आ जाएगा वन, ये वाई की वैल्यू आ गई वर्टिकल एजम्प्टोट। इस तरह ये माइनस इन्फिनिटी पे करेंगे तो फिर भी यही आएगा, क्योंकि
यहाँ पे और कोई रीजन है को नहीं, माइनस इन्फिनिटी पे ये दोनों जीरो हो जाएंगे, दोनों सूरत में ये जीरो ही हो जाते हैं, इसको हम जमाने देखेंगे। ये इसका एसिम्प्टोट आ गया हॉरिजॉन्टल। अब इन कलाइड एसिम्प्टोट भी है क्योंकि ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, या इम्प्रॉपर फॉर्म। इन कलाइड एसिम्प्टोट कैसे निकालेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन को डिवाइड कर दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, वन से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास माइनस फोर। ये साइन चेंज करते होते हैं आपको पता है, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फाइव। तो आंसर इसका आया फाइनली वन प्लस फाइव ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो ये जो आपके पास, इसको मैं इक्वल टू लिखा वन प्लस फाइव ओवर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ये जो एसिम्प्टोट है ना, ये हमारे पास कहलाता है इनक्लाइंड एसिम्प्टोट। लेकिन ये और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट सेम हो गए हैं, ये एसिम्प्टोट और ये दोनों एसिम्प्टोट क्या है, सेम हो गए हैं, इसलिए हम इनमें से एक यूज करेंगे फिर दोनों यूज नहीं करेंगे। तो ये इसका तरीका होता है। अभी देखिए इसका यूज कैसे होता है, ये आपके पास ग्राफ है ना, एक इसमें वैल्यू लगा देते हैं वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। अच्छा यहाँ एक्स की वैल्यू आपके पास देखें कौन कौन सी हैं, माइनस टू और प्लस टू, ये माइनस टू, ये प्लस टू। ये यहाँ पे जो आप लाइन ड्रा करेंगे ना, ये वर्टिकल लाइन है और ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है, एक्स की वैल्यू वर्टिकल एसिम्प्टोट देखें, ये होता है वर्टिकल एसिम्प्टोट, ठीक है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट वाई इक्वल टू प्लस वन, ये है वन, यहाँ पे जो आप लाइन ड्रा करेंगे ना ये वन, ये ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट और ये वर्टिकल, ठीक हो गया। तो इसको स्केच करना आपको आज